हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बीज। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बीज प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, एग्जाम बैंक के लिए आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी एंड आई होप कि आप सभी ने अपना फॉर्म फिल कर लिया होगा, क्योंकि अब तो लास्ट डेट भी ओवर हो चुकी है। इम्पॉर्टेंट क्या है ये समझना कि इस बार एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ है ना। आप सभी को पता है कि इस बार एग्जामिनेशन पैटर्न में कोई क्वांट्स, कोई रीजनिंग एंड कोई इंग्लिश नहीं है। सो ये बहुत अच्छा भी है और बहुत डायरेक्ट भी, आपको बहुत क्लियर भी कि पढ़ना क्या है। बट ऐसे में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपको क्या कवर ज्यादा करना है, क्या कम करना है, बट मिस कुछ नहीं करना है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस पार्ट के लिए है, क्योंकि ये 60 मार्क्स का है। दिक्कत क्या होती है, आप ये देखेंगे अगर एग्जामिनेशन पैटर्न को, तो यहाँ पे मेंशन है प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्टिव, सिर्फ इतना ही एग्जामिनेशन है इस बार। पहला ही पार्ट दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखा है 40 मार्क्स, है ना। तो हमको लगता है यार ये एक सिंगल क्वेश्चन है और यहाँ पे 40 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, तो इसको ज्यादा करते हैं। डेफिनेटली वो करना भी है, बट ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ और सिर्फ इसी को कर रहे हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, 10 मार्क्स का ईच होगा, और ये 60 मार्क्स का है ना। आउट ऑफ 8 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन। अब वो फर्दर डिवाइडेड होगा सब पार्ट में से, लास्ट ईयर था कि नहीं वो अलग बात है, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ इसको बहुत अच्छे से फोकस करना। अगर आप लास्ट ईयर का भी पेपर देखोगे तो वो पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा नीचे ना, तो आप उसमें देख सकते हैं कि नीचे लास्ट ईयर जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसके 3 4 5 सब पार्ट पूछे गए थे। तो अगेन ऐसा भी होता है, तो वो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही पूछा जाएगा, यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 8। इसमें फाइनेंशियल एनालिसिस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि सिलेबस में और भी सारी चीजें हैं। ओके, तो अब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट एनालिसिस, पीएनएल अकाउंट, यही सारा कुछ चल रहा है, थोड़ा सा बाकी चीजों को भी देखना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि एग्जामिनेशन की जो डेट है टेंटेटिव, वो अक्टूबर ही मेंशन की गई है ना। वो एग्जैक्ट डेट कब होगी बाद में बताया जाएगा, तो हमको यही ध्यान रखना है कि अक्टूबर में होना, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी। ये नहीं सोचना है कि नहीं अभी 10th हो गई है, अभी तो नहीं आया एग्जाम डेट, तो हो सकता है शिफ्ट हो, वो कुछ भी हो सकता है, उसको नहीं सोचना। आपको ये सोचना है जो भी आपके पास टाइम है आपको उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। अब जो आज मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो क्या करना चाह रहा हूँ, अगर हम सिलेबस देखते हैं बैंकिंग ऑपरेशन का, तो अब देखिए पहला पार्ट है एनुअल रिपोर्ट्स का, दूसरा है फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस का, तीसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फॉरेक्स मार्केट का। तो अगर हम मेजरली देखें ये दोनों पॉइंट, तो डायरेक्ट और डायरेक्ट फाइनेंशियल एनालिसिस से रिलेटेड ही है। लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे तो यही सिंपल क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्टली पूछे थे। बैलेंस शीट के एनालिसिस में ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ उन्होंने पूछा था, नॉर्मल सी चीजें पूछी थी। सिमिलरली फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस में भी आप देखेंगे तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे थे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जितनी भी चीजें यहाँ पे मेंशन है आप इनको जरूर अच्छे से कर लीजिए। सेंसिटिविटी एनालिसिस थोड़ा सा उसको थोड़ा अच्छे से आपको देखना है, सो दैट कि आप बेटर एनालाइज कर पाए। देन इसके बाद आप देखेंगे दिस इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फॉरेक्स मार्केट। तो लास्ट टाइम भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था फॉरेक्स मार्केट से, आप चाहे वो FCNR वाला रिसोर्स रेजिंग की बात हो, या फिर स्वैप ऑप्शंस, या फिर गैप, या फिर इंडेक्स की, जो भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उस पर क्वेश्चन हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जरूरी नहीं है कि आपको कुछ 10 मार्क्स का यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वट इज FCNR रिसोर्स रेजिंग। आप सभी को पता है कि वो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिफाइन द फॉलोइंग इन कुछ लाइंस में, और उसमें आपको 5 पार्ट दे दिए है ना, तो आपको फिर वो पूरे के पूरे 5 को एलेबोरेट करना होगा। तो इस टाइप से भी आपको अपना प्रिपेयर करके चलना है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड फाइनेंस है। अब देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट, अब ऐसा तो नहीं है कि लेटर ऑफ क्रेडिट 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है, या फिर बैंक गारंटी 10 मार्क्स का। सिंपल सा है कि ये हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए बहुत ज्यादा भी इन डेप्थ पढ़ रहे हैं, बहुत सारा करंट के पीछे दौड़ रहे हैं, वो नहीं करना है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसमें लेके आनी है। ओके, अब जैसे KYC एंड कंप्लायंस है, तो ऐसा नहीं कि उसमें बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन आने वाला है ना। बेसिक बेसिक छोटी सी चीजें आ सकती है, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे इस टाइप के टॉपिक वैसे ज्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए, है ना। KYC एंड कंप्लायंसेस है, उसमें इतने सारे पार्ट है, तो अगर कोई पूछेगा भी तो वो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि डिफाइन द फॉलोइंग, और उसमें एक पार्ट होगा KYC एंड इट्स कंप्लायंस, है ना। KYC AIML, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए स्ट्रेस्ड अकाउंट, सरफासी, IBC, ये सारी चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपको ये बता दूं कि हमेशा हम चीज हमको ये देखना है कि पहले हम ये सारी चीजों को पढ़ लें, उसके बाद देखें कि इसमें करंट क्या है, क्योंकि अगर आप करंट देखेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें चेंज होती जाएंगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ओवरऑल भी नॉर्मली चीजें मेंशन की गई है, ऐसा कुछ उसमें बहुत करंट का चीजें मेंशन नहीं किया गया है। RBI की मास्टर सर्कुलर, अब स्टूडेंट कहते हैं कि RBI की सारे मास्टर सर्कुलर, नहीं, RBI की मास्टर सर्कुलर फॉर द स्ट्रेस्ड अकाउंट्स, NPA एंड इट्स रिकवरी प्रोसेस, बस इसी के लिए। अब
अदरवाइज तो आरबीआई की मास्टर सर्कुलर्स कितनी सारी चीजों के लिए आते हैं, सब कुछ यहाँ पे नहीं है। आप देखो कि बेसिक मॉनेटरी पॉलिसी भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो वो इकोनॉमिक पार्ट को भी कवर अननेसेसरी, या फिर उसके लिए इतना ज्यादा आपको चिंता नहीं करना है। ओके, तो रिस्क एंड मैनेजमेंट ऑडिट है, इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमी है, ये वाला पार्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आपके लिए ध्यान है ना, तो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह आपको थोड़े पढ़ना पड़ेगा। इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, सिंपल सा चीज है, आरबीआई क्या है, सेबी क्या, एक्सपोर्ट क्रेडिट क्रेडिट एजेंसीज है, डीएफआईज है, बैंकिंग, मतलब पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम। अब देखिए ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो कई बार क्या होता है कि हम इसको थोड़ा सा बिल्कुल ओवरलुक कर देते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते, बट इसको आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है ऐसी चीजों को, क्योंकि यहाँ पे आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपने आंसर को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। ओके, तो सिमिलरली टैक्सेशन है, डायरेक्ट है, टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल टैक्सेशन सस्पेक्ट क्या है, लीगल एंड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बट मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आप हर एक जो भी पॉइंट है आपको आज ही क्या करना है, शुरुआत कीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो आप यहाँ से जितने भी टॉपिक है आप ये अपनी फाइनेंशियल एनालिसिस भी करते रहिए साथ में। रोज क्या करना है आपको, अपनी जो नोटबुक है उसमें आज लेटर ऑफ क्रेडिट, उसके बारे में जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उसको कलेक्ट करके नोट कर लीजिए, और फिर फर्दर उसमें से कुछ समरी पार्ट बना लीजिए। तो ऐसे करके आपको सारे टॉपिक्स के लिए करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द करंट, इसमें ऐसा कुछ करंट है भी नहीं है ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना है। और आरबीआई मास्टर सर्कुलर्स लिखा है तो वो सिर्फ इसके लिए लिखा है, ऐसा नहीं कि आरबीआई की मास्टर सर्कुलर सारे पढ़ने लगे, क्योंकि अभी तो बहुत सारे आरबीआई की मास्टर सर्कुलर है, चाहे प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का हो, फिर एग्रीकल्चर क्रेडिट का है, या फिर एमएसएमई, सभी के लिए है ना, तो आपको यहाँ पे देखना है कि किसकी बात हो रही है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। सो इसको जरूर अच्छे से कवर कीजिए, ऐसा ना हो कि हम 40 मार्क्स के चक्कर में ही पूरे टाइम रहें, कैलकुलेशंस में ही लगे रहें, बैलेंस शीट्स और पीएनएल में ही उलझे रहें, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको भी आपको थोड़ा थोड़ा करके रोज करना है। ओके, ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो मेरा सारा एक ही दिन में हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, बट दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि वहां से 60 मार्क्स का पार्ट आने वाला है, तो इतना भी इजी नहीं होगा कि आप एक दिन में कवर कर दोगे, और कर भी दोगे तो फिर थोड़ी इफेक्टिवनेस कम होगी। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं बहुत अच्छे से एग्जाम को सिस्टमेटिकली, सो एग्जाम बैंक को, तो यहाँ पे आप हमारे एग्जाम के कोर्स को ले सकते हैं। इसमें स्पेसिफिकली हमने जो मॉक टेस्ट बनाए हैं फॉर द प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्टिव टाइप के, जैसा इस बार का पैटर्न है, और उसके लिए हमारी लाइव क्लास डिस्कशन भी होती है, जो नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है 15 अक्टूबर को होने वाली है, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और क्लास में आकर डिस्कस करें, दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।